अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपने कबूतरों का शौक कराता हूँ। ये सब बच्चे हैं और ये एक नर है। ये सब घर के बच्चे से भी है, मादी बड़ी है और ये मादी उतरी भी मादी है, ये कलदुमी में है। बाकी जो भी बच्चे हैं पीछे, जो भी कबूतर के बच्चे दिख रहे हैं, ये घासलेटी मक्कू का बच्चा है, ये भी घर का ही बच्चा है। और बाकी सब घर के बच्चे हैं। ये मोरपीस है, ये सब फेंटेल जो भी है, ये भी घर के बच्चे ही है, जितने भी फेंटेल है ये सब। ये मेरी दोनों बेंटम मुर्गियाँ हैं और ये भी सब अच्छे उड़ान वाले, इनके बच्चे इसीलिए रखा हुआ अलग साइड में। मक्कू में है, कलचरा है, ये फेंटेल का पैर है, एक ये फेंटेल का पैर है। ये कलचरा जोड़ा है मेरा, बहुत अच्छा उड़ने वाला जोड़ा है। इसकी मादी उतरी हुई है, नर दूसरे दोस्त का है। ये जोड़ी एक है, कलंच में मादी, कोयल में नर है। और ये तो पंजाबी बनारसी, ये पंजाबी मादी है वो। और ये मक्कू का जोड़ा है, इसमें नर पल्टर है, पीछे वाला नर है, आगे मादी बैठी है। इसको बेंटम के अंडे पे बिठाया हूँ मैंने, और यहाँ पर भी ये मादी अंडे पे बैठी है। इसने भी अंडा दिए, दो अंडे दिए। इसने फाइटर के बच्चे निकाली थी, ये वही मादी है। अभी इसने खुद के अंडे दिए तो अभी मैंने बिठा के रखो इसको भी अंडे पे। और ये मेरा काना नर, बहुत अच्छा उड़ने वाला नर, और उसके साथ उसकी मादी है, इसका भी एक बच्चा है अभी, वो चार बच्चों में जो बताया। फिर ये है मेरी टेढ़ा नर, और वो पीछे जो बैठी मादी है, वो इसी की बेटी है, दूसरी कल्चरी मादी से लगाया था तो ये बच्चा निकला था, तो ये इसी को लगा दिया मैंने मादी। दोनों पल्टर है। और ये अलाहाबादी जोड़ा है मेरा, अलाहाबादी ललसर नर है, और ये मादी उसकी पीछे, ये बहुत अच्छा जोड़ा है मेरा। ये बेंटम मुर्गा कबूतर के नीचे निकाला हुआ बेंटम है, अभी ये बड़ा होगा, मुर्गा बन रहा है, अजान भी देता है अभी धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी सी अजान देता है। एक ये कलदुम की बच्चा, ये भी कलदुम मेरा है का, ये जोड़ी का ही बच्चा है, ये वाली मादी इसी का बच्चा है। और इसमें भी जो मादी बैठी अंडे पे, वो भी उसी कलदुम की जोड़ी, इसकी चे कलदुम की। और वो पीछे अलाहाबादी नर जो नीचे जोड़ी बैठा, अलाहाबादी उसका बैठा है, और ये भी उसी का नर बैठा है जो आगे बैठा हो। पीछे मादी उतरी हुई है और ये नर मैंने अलाहाबादी का ही बिठाया हुआ है। और एक ये ललसर नर जो है, ये मैंने वो इसको लगाया हुआ, ये वाली कलदुम मादी को, ये वाला ललसर नर, ये भी मैंने उतारा था ललसर नर। और एक ये जो जोड़ी अभी पिलंग मादी बता रहा, उसका ये नर है, बहुत अच्छा उड़ता है ये भी नर, बहुत अच्छी क्वालिटी का नर है, ये भी बहुत अच्छा उड़ता है। बाकी ये सब देसी मुर्गी है, दो देसी मुर्गी, एक मुर्गा है, अभी एक मुर्गी कुड़क हो गई है इसमें से, एक के अंडे चालू है, अभी एक को बिठा दूंगा मैं अंडों पे, 10-15 अंडे जो भी मिलेंगे बिठा दूंगा। ये देखो ये ललसर नर आ गया, मैंने इसको रख डाल दिया, उतर गया खन में, तो ये ललसर नर है और ये कलदुम मादी। अभी इनके बच्चे देखने के मुझे कैसे निकलते हैं, रिजल्ट क्या आता है इनके बच्चों का, क्या कलर आता है, कुछ चेंजेस होते हैं कि नहीं। ये मेरी ये मेरी फाइटर है, और ये मैंने ड्रम में जो है नल्लो का घर बनाया हूँ, ड्रम को लेके आगे ऐसा कटिंग करके बनाया हूँ। ये मेरी फाइटर मादी, इसके भी बच्चे निकले हैं चार, दो कबूतर के नीचे निकाला, दो इसने खुद निकाली, चार निकाली थी पर एक तो अंडा फूट गया और एक डेड इन शैल हो गया था, तो दो बच्चे इसने खुद ने निकाली। और ये मेरा मुर्गा है फाइटर, बहुत अच्छा मुर्गा है ये। अभी जो है मैंने दो ड्रम बनलाया था, उसको कटिंग करके इसमें मट्टी डाल के इन लोग को रख दिया, ताकि ये जो खेलते रहते हैं मट्टी में वो भी हो जाता है। ये मेरी सारी लव बर्ड्स हैं, जितने भी सब लव बर्ड बैठे हैं, दाना वाना खा रहे, सब अपने अपने मटकी में अंडे, बच्चे जो भी है सबको भरा रहे। अभी इन लोग के बच्चे बताता हूँ मैं, रेनबो के भी बच्चे हैं मेरे पास, रेनबो का भी एक पैर अलग रखो, इसमें रेनबो के बच्चे बहुत है, 6 रेनबो के बच्चे हैं इसमें, 5 या 6 रेनबो के बच्चे हैं, और बाकी नॉर्मल वाइल्ड है और ब्लू है, रेनबो के बच्चे से बच्चे भी है। अभी एक पैर मैंने अलग रखो रेनबो बच्ची का, जिसके बच्चे हैं रेनबो के, उसमें भी अभी एक बच्चा निकला है। ये मेरी कोकाटेल है घर की, ब्रीडिंग पैर है, रेड है, ये दोनों भी रेड है, ये मेल फीमेल है। इन लोगों ने बहुत टाइम अंडे दिए, लेकिन
सही से हैच नहीं हुए बच्चे, मतलब भाई लोग बैठ नहीं पा रहे थे सही से, डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो अभी मैंने दूसरे पिंजरे में डाल के पीछे से भी ढक के रखता हूँ लोग को, और आगे से भी मैं ढक के रखता हूँ। और ये मेरी फिंचिस ब्लैक चिक की, ब्लैक चिक मेल फीमेल है, ये भी अच्छे बच्चे निकालते हैं लोग भी।